ऑर्गेनाइजेशन जिससे भी आप आपका वेंडर जी सोचता है आपको कहता है कि हमारा आदमी आएगा कहाँ से आता है उनका आदमी आता है उनका आदमी से ₹320 आता है तीन दफा आता है अच्छा वो आता है वो आके टेस्ट करता है और वो बता देता है आप मुझे जी आप इतने केमिकल इसमें डालते हैं ये करते हैं 3 लीटर डाल दिए या 4 लीटर डाल दिए या 2 लीटर डाल दिए अगर तो यही रोजाना डालना उसने है केमिस्ट है उनके कहने पे ये डाल देना है तो फिर तो केमिस्ट को रखने की जरूरत नहीं है फिर तो आप सिक्योरिटी गार्ड को बुलाए और वो भी डाल देगा आके आपको कि भाई तुम रोजाना वो भी नाप आप भी नाप के डालते हैं या उसने कोई मेजरमेंट दी है वो भी डालता है आप भी डाल देंगे जैसे आप डालते हैं गार्ड डाल देगा या कोई लेबर आदमी डाल देगा तो इसकी जरूरत नहीं है तो बेसिकली केमिस्ट का काम क्या होता है व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट क्या होता है टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम कोरोजन एरोजन एंड स्किन पानी को तीन चीजों से बचाने के लिए यानी कोरोजन से एरोजन से और स्किन एक केमिस्ट की ये जिम्मेदारी है अब ये जो चीज है ना ये जो हम कहते हैं कि आपके पास जो कोरोजन होता है ना तो उसके होने के लिए जो लोहा है उसमें हाँ सबसे पहले जो मैटर वाटर और तीसरा ऑक्सीजन ये तीन चीजें अगर है ना एक जगह तो रस्ट होगा क्रूजल होगा तो इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को अगर हम खत्म करते हैं तो क्रूजल खत्म हो जाएगा तो हम ना मेटल पानी खत्म कर सकते हैं ना मेटल खत्म कर सकते हैं इसको हम काट सकते ठीक है अब जब हम इंटरनल जब जब वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं एक होता है एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट दूसरा होता है इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने पानी लिया सोर्स ऑफ वाटर से चाहे वो कैनाल हो वेल हो रिवर हो व्हाटएवर जो भी कोई है वहां से आपने पानी लिया और लेने के बाद उस पानी को आपने ट्रीट किया मुख्तलिफ तरीकों से और करने के बाद फाइनली ये आपका फीड वाटर टैंक है जी। इस फीड वाटर टैंक में पानी जाने से पहले आपके पास बॉयलर कौन सा फाइव ट्यूब कितने टन का है सर 2 है 16 टन के और 1 है 12 टन आपके पास काफी कंजप्शन है ठीक है जो आपके पास फीड टैंक है उस फीड पे जो पानी आपका एंटर हुआ है ठीक है ना इस फीड टैंक में पानी जाने से पहले जो ट्रीटमेंट है उसको कहते हैं एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट ठीक है उसके बाद जब ये पानी फीड टैंक में चला गया इसके बाद जो ट्रीटमेंट करना है वो होगा इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट एक तो जब आप एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट होते हैं ना तो हम आपको नेक्स्ट टाइम एक्सटर्नल में देंगे लेकिन एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट वाला है वो एक्सटर्नल में आएगा इंटरनल में ये भी मतलब ये अभी इसमें गिरा तो नहीं ना नहीं इससे पहले नहीं गिरा ना तो ओके तो ये जो आपने डीएरेशन की जब आप डीएरेशन करते हैं तो डीएरेशन का मतलब होता है कि इसमें ऊपर दो कानून अप्लाई होते हैं एक पहला कानून कहलाता है हेनरीला और दूसरा कौन सा होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हेनरीला क्या है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस डिक्रीजेस व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीजेस जब आप गैसेस को टेंपरेचर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ठीक है और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है कि CO2 है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है और आप फर्ज कर लें कार्बन मोनोऑक्साइड है नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन का प्रेशर ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर और CO2 के ऊपर CO2 इन सम द सम प्रेशर जो है जब हम इनको सम ऑफ प्रेशर करेंगे तो कॉल्ड इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है having the pressure of carbon dioxide, nitrogen having the nitrogen
और ऑक्सीजन है विदा, ये है डार्विन का पार्शियल इक्वेशन। सपोज आपके पास एक ये ग्लास है, ठीक है, इसमें CO2 जो है, फर्ज कर ले मैं 10 ppm है, ठीक है। अब ये 10 ppm जो है ना, और ये आपका जो है ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में 8 ppm है, ठीक है। तो इसको जो डार्टन्स का कॉन्सेंट्रेशन है उसके तहत इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से 1 ppm मूव करेगी और मूव करके इसमें शामिल हो जाएगी, तो ऊपर भी 9 और नीचे भी 9। इन सेम सिमिलरली इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टू, ठीक है ना। डिएरेशन प्रोसेस ये है, डिएरेशन प्रोसेस ये है कि फीड वाटर जब कभी आप पानी लाते हैं उसके अंदर कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, ये बाइकार्बोनेट जो होते हैं ना, जब आप इन बाइकार्बोनेट्स को हीटर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये डिएरेशन में यहाँ से निकल जाती है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपने यहाँ डिएरेटर नहीं लगाया, क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉयलर में जाएगी, हीट एनर्जी मिलेगी, डिकम्पोज होगी, और डिकम्पोज होने के बाद उसमें जाएगी, और जाने के बाद क्या करेगी, कार्बोनिक एसिड बनेगी। क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड बनाएगी तो पानी की पीएच रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट में इस डिएरेशन से पानी फीड टैंक के गिरने तक एक्सटर्नल आ गया। अब यहां से जो पानी आगे जाएगा बॉयलर को जाएगा, आपकी ट्यूबों में जाएगा, बॉयलर में अपराइजर में जाएगा, डाउन कमर्स में जाएगा, बॉयलर ड्रम में जाएगा, इस सब का ट्रीटमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं उनको कहते हैं इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट। अब ये इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट जो है ना, उसके लिए उसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ये है कि आपकी स्टीम होती है और स्टीम में प्रेशर होता है, ठीक है ना। अब चूंकि आपके पास ये हाई प्रेशर बॉयलर नहीं है, आपके पास लो प्रेशर बॉयलर है, कितना 300 psi है, 16 बार है प्रेशर मीडियम में, कितना 16 बार है जी, वो जो 16 kg वाला आप करें जी सर, 16 टन वाला जी, 16 टन चले 1500 psi से ज्यादा जो भी होगा उसका आप कहेंगे हाई प्रेशर बॉयलर। लेकिन आप कह रहे 16 बार, तो 16 बार का मतलब हो गया 235 psi, लेकिन पहले 235 भी प्रेशर तो है ना। जब ये स्टीम आपके बॉयलर में से निकलती है, इसमें एरोजन होने का चांस कहाँ है, मैंने कहा ना डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल, ये जो कोरोजन है ना उसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड एज कोरोजन। और एरोजन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल थ्रू फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड एज एरोजन, ठीक है। अब फर्ज कर रहे आपके पास जो ये पानी आ रहा है इस वेल से, इसमें SiO2 है जिसका आप सलीका कहते हैं, ठीक है ना। जब आप SiO2 चेक करते ना तो हमेशा करते एज ए SiO3 है, लिखते हमेशा SiO2 हुआ, क्योंकि सलीका तो इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। आप SiO3 चेक करेंगे लिखेंगे SiO2। ये सलीका जो है ना, ये सलीका एक वाहिद चीज है जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, क्या कहलाती है, वोलेटाइल ये टेम्परेचर मिलने पर वोलेटाइल होती है और गैस की सूरत में आपकी स्टीम के साथ जाती है और जहां जहां आपकी ट्यूबें होती हैं उन पर रगड़ लगाती हुई जाती है, बम्बारमेंट टाइप
तो वो क्या कहलाती है? फिजिकल डिस्ट्रक्शन कहलाती है। जिस तरह से सैंड ब्लास्टिंग करते हैं ना, शीशे के ऊपर नंबर डालते हैं, या एमरी पेपर से आप रगड़ते हैं किसी चीज को, ठीक है ना, तो ये सब कुछ जो है ये आपका क्या कहलाती है? एरोजन। केमिस्ट्री का काम क्या है? इस एरोजन को रोकना। दूसरा केमिस्ट का काम क्या है? क्रोमियम को रोकना। वो कौन सा? जो गैल्वेनिक एक्शन के जरिए होता है। अब गैल्वेनिक एक्शन के जरिए जो होता है वो कैसे होता है? तो पहला काम तो हमारा ये आ गया कि ये हमारे, हमें पता चल गया कि भाई SiO2 हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना जी। वट एवर यू हैव, लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर और इट हैज बेटर वेलोसिटी। अब ये दूसरी चीज ये है कि गैल्वेनिक एक्शन जो है ना आपका, इसको फोल्ड भी कर देते हैं, मैं तो ज्यादा आसान था फोल्डिंग कर। ये तो हो गया कि आपको पता चल गया कि आपको SiO2 हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस अब दूसरी बात आ गई कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल। अब आपको पता है कि ये मैं अगर फर्ज कर लें आपकी एक ये अपराइजर है, अपराइजर किसको कहते हैं? जहां स्टीम जनरेट होती है, ठीक है ना, तो ये आपके अपराइजर है। अभी आपको ये भी पता है कि ये जनाब खाली आयरन नहीं है, इसमें खाली आयरन नहीं है, ये है एलॉय। एलॉय का मतलब है कि सम ऑफ मेटल्स, आयरन भी है इसमें, कॉपर भी है इसमें, एल्यूमिनियम भी है इसमें, क्रोमियम भी है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि हर मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम हो जाती है, एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी, तो जिसकी कम होगी उससे, और जिसकी ज्यादा होगी तो ज्यादा से टुवर्ड्स लोअर साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो अब हम ये कर लेते हैं, प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक एक्शन। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक एक्शन। अगर आप अच्छा, अब आपका सबसे पहला काम तो क्या है कि आपको एक ऐसा पानी चाहिए अपने बॉयलर के लिए। पहली बात तो मैंने बताई कि CO2 नहीं होनी चाहिए, अगर आ गई है तो उसका कोई ना कोई हल कर लो, इंटरनल ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट के जरिए हमको काबू करना है। दूसरा क्या है कि जो हमने एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट किया था, जब हमने अपने बॉयलर के लिए पानी बनाया था, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हम ऐसा पानी बनाएं कि जिसके अंदर ये कंडक्टिविटी बिल्कुल ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, या सॉफ्ट वाटर इस्तेमाल करते हैं। सर हम सॉफ्ट वाटर कम करते हैं वैसे, हम ना अपने वो डिस्टिल आ रहा होता है वो मिल्क वेपोरेट, ठीक है, समझिए उसकी कितनी कंडक्टेंस होती है सर? उसकी आ रही थी 30 20 30, अगर 30 फर्स्ट कर ले, अब ये 30, ठीक है, 30 माइक्रो सीमेंस आ गई थी आपकी कंडक्टिविटी, लेकिन ये 30 है ना जी। तो पहला काम तो ये है कि हम ये कोशिश करें कि ये 30 भी ना हो, और अगर जैसे आ रही है आपकी यहाँ तो ये 30 है, और चूंकि उसमें मुस्तकिल एवोपरेशन होती है आपके बॉयलर के अंदर, स्टीम जनरेट हो रही होती है, तो ये बढ़ती जाती है। जब ये बढ़ती जाती है तो कंडक्टिविटी भी बढ़ती, कंडक्टिविटी का रेट बढ़ती जाएगी, बोलो पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये हम ये यहाँ लिख लें कि 30 थी जब आपने इसमें लिया, मुस्तकिल आप स्टीम जनरेट करते रहे, और ये 30 से बढ़ के फर्ज कर लीजिए 100 हो गई या 50 होगी, ठीक है, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना, 100 होगी जब भी और 50 होगी जब भी। तो क्या होगा कि ये जो मैंने ट्यूब बनाई है इसमें ये पॉइंट जो है कॉपर है वो आयरन है, और नीचे वाला कॉपर है, तो क्या होगा? आयरन से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये पानी के अंदर कंडक्टिविटी है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो क्या होगा? पानी दो हिस्सों में डिसोसिएट हो जाएगा, एक HN और दूसरा OH, एक
एचआई और दूसरा ओएचआई, ठीक है। तो ये आपका आयरन और ये कॉपर, तो ये ओएचआई पॉजिटिव साइड मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, राइट। तो ये हाइड्रोजन या लिबरेट होगा इसके पास, जैसे जिस जगह भी हाइड्रोजन जाके गुजारे, एक एनोड बन गया, कैथोड बन गया। जब लिबरेट होगा तो हाइड्रोजन इज ए बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये आपका सिस्टम जब एक इलेक्ट्रोड बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रोन फ्लो नहीं होंगे, राइट। लेकिन क्योंकि जो पानी आपका बॉयलर का है इसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन मौजूद, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी यहां पर आकर, वैसे ही ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी और पानी बन जाएगा। और जो ही पानी बन जाएगा ये दोबारा नेगेटिव हो जाएगा और आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि ये हाइड्रोक्साइड जो आयरन के साथ गया है ना, ये बन जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? फेरस हाइड्रोक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ फर्दर ऑक्सीजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड ग्रेटर देन 8.3 पीएच पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फेरिक ऑक्साइड। मैग्नेटाइट लेयर बेसिकली डेवलप करता है ये आगे, ठीक है। ये ये क्या चीज है? ये रस्ट है। ये क्या चीज है? ये रस्ट है। और आपकी मेटलर्जी को लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जब आपकी इसको लॉस होना शुरू हो गया तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें पता चल गया कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको बनने से रोकें, ठीक है ना, या बने तो फिर हम इसके एक स्टेप को और आगे बढ़ाएं और फर्दर इसको हम Fe3O4 फेरिक ऑक्सीलेट यानी मैग्नेटाइट लेयर ये बनाने की हम कोशिश करें, ठीक है ना। तो अगर हम इस स्टेप को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? पहले हमने सबसे पहला काम तो किया कि पानी के पानी में हमारी कंडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम ये हमने किया कि सलीका नहीं होनी चाहिए। तीसरा काम हमने ये किया कि हमारे पानी में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पानी में क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन। ये तीन काम तो हमें सबसे पहले करने। अब हमें क्या करेंगे? सबसे पहले कंडक्टिविटी कम करने के लिए तो अपने सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे जो एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट में है। एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट में हमने डीएरेशन भी प्रॉपर की है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आए पानी में, डिकम्पोज नहीं हो, कार्बोनिक एसिड नहीं बने, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड बनेगा तो दोनों सालों में तो साल्ट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और दूसरे कार्बोनिक एसिड बनने से ये जो मैंने लिखा है ना पीएच कार्बोनिक एसिड की वजह से ये कम हो जाएगी आपके, ठीक है ना। तो इसकी कन्वर्जन नहीं होगी, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता रहेगा, ये भी मेटल की लॉस है। अब ये हो गया यहाँ तक, पहला हो गया कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, दूसरा हो गया सल्फर नहीं होनी चाहिए, तीसरी बात ये कि आपके सिस्टम में डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक है। तो पहला ट्रीटमेंट क्या हो गया? जब गाड़ियों के ऊपर सैंड ब्लास्टिंग करते थे नंबर लिखते थे क्या है एरिजन, जब प्रेशर किसी जगह होगा और उसमें सलीका होगी तो वो रगड़ लगाती भी जाएगी, फ्रैक्शन की वजह से जो एरोजन होगा उसे कहेंगे डिस्ट्रक्शन, जो वाटर के अंदर मौजूद है, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल थ्रू फिजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना है, वो करेंगे थ्रू एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना है थ्रू एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तीसरी चीज रह गई है ऑक्सीजन, इसको बॉयलर में से आपको पानी में से फीड वाटर टैंक के अंदर से खत्म करना शुरू करना है,
कैसे करेंगे? इसके लिए हमें कोई ऑक्सीजन स्केवेंजर यूज करना, स्केवेंजर यूज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कौन से स्केवेंजर ज्यादा बेहतर है। पहले नंबर पे आता है जो सोडियम सल्फाइड, क्या सोडियम सल्फाइड, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनता है सोडियम सल्फेट, सल्फेट, ठीक है ना। तो जब ये सोडियम सल्फेट बनता है ये नीचे बैठ जाता है सलज की सूरत में, लेकिन नुकसान ये होता है कि इसके इसमें सलज पैदा हो रही है। ऑक्सीजन तो आ रही है लेकिन सलज भी पैदा हो रही है, आपने ऑक्सीजन को कम भी कर दिया। जब ये सलज पैदा होगी तो इससे कंडक्टेंस आपकी कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगी। तो आपको अच्छी बात है कि हमने ऑक्सीजन खत्म कर दी, ना होने से होना बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे पास है या नहीं? तो इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है हमारे पास? फिर आता है N2H4 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन गैस बन जाती है और प्लस पानी बन जाता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले कि हम अपने सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन की वैल्यू मेंटेन करें। अब ये आज के बाद ना आप ये तो आप कर लें, आपको कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट हुआ होगा, लेकिन फ्यूचर में ये सारे आपको कारोबार बंद करने पड़ेंगे। नहीं चलो सर, वैसे इसमें एक चीज़ ऐड कर दो कि ना नॉर्मल प्रोसेस इंडस्ट्री में हाइड्रोजन ही यूज हो रही होती है वैसे, ठीक है। सब अगर लाइक मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करूँ, बट फूड इंडस्ट्री में ना ये बैन है हाइड्रोजन, हम सल्फाइड बेस्ड ही यूज करते हैं उसमें। नहीं, इससे फूड का क्या ताल्लुक? आई डोंट नो, मतलब क्या ताल्लुक देख लेता हूँ। ये तो खत्म हो गई यहाँ पे, मतलब ये जो इसकी डोजिंग वैसे मैं चेक कर लेता हूँ, इसकी वैसे अलाउ है नहीं स्टीम प्रोड्यूसर में, फूड इंडस्ट्री में। आई डोंट नो क्यों, मुझे बताएं ना ऑक्सीडी क्या है इसमें, खराबी क्या है? नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, रिएक्शन में कुछ भी नहीं है वैसे, नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, कोई रोल नहीं प्ले करती, ऑक्सीजन पानी पानी बन गया, इसमें कौन सी ऐसी बात है? इसमें इसका रिएक्शन देख लूंगा, बट वो नहीं, वो जो बात है ना वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट, और फिर ये तो इसका आपकी प्रोडक्ट से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, आपकी प्रोडक्ट से इसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है भाई, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आपने ऑक्सीजन रिमूव कर, अच्छा चले हम एक मतलब को तस्वीर कर लें कि फूड को कोई ऑक्सीडेशन है तो आप सोडियम सल्फाइड इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको बजाय इसके कि 3 kg डालना है 4 kg डालना है, नो, आप इसको 30 to 40 बस ये 30 to 40 जो है ये सल्फाइड मेंटेन कर लें, ठीक है ना, इसको आप चेक करें। सर जस्ट मेरे दिमाग में चीज आ रही थी कि ये सल्फेट है, सॉरी मैंने नहीं, मेरी बात पूरी है, फिर कर ले सब, आपने नोट कर ले सवाल, यहां तक आ गया जी सर, जो कंफ्यूजन है सवाल मुझसे पूछ लीजिएगा। ये आपने कर लिया, यहां ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ठीक है ना। अब आपका रह गया कि किसी जगह से किसी भी वक्त आपका चाहे एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट किसी भी किस्म का हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्लिप हो गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्लिप हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर स्लिप हो गया जाएगा तो क्या होगा, उसका ये ट्यूब में जाएगा और फिर ये स्केल करेगा, तो फिर आपको कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो सलज कंडीशनर कहलाए, ठीक है ना। तो कॉमनली आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, Na3PO4 ट्राइसोडियम फॉस्फेट, ठीक है, ट्राइसोडियम फॉस्फेट। इसके फायदे, इसके दो फायदे, पहला फायदा ये कि जब आप इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे ना तो एक बाई प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इससे एक तो पीएच आपकी कुछ इम्प्रूव हो जाएगी, और दूसरी बात ये है कि जो पहला खतरा था आपके पास एरोजन का, किसका, जो किसकी वजह से थी,
सलीका की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा? सलीका की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, वोलेटाइल नहीं होगी आसानी से। ठीक है, तो फिर इसको कितना मेंटेन करना है? इसको आपको मेंटेन करना है 3 to 5 EPM। सो ये इन टर्म्स ऑफ ओएच एल्किलिनिटी फिर से तो ओएच एल्किलिनिटी होगी ना। ठीक है ना, ये हो गया। अब एक चीज रह गई कि जी ये पीएच को हमने कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए जो सबसे ज्यादा सस्ता तरीका है वो ये, कोई आप अमोनिया गैस ले लें, है ये अमोनिया गैस ले लें, पानी मिला दें, अमोनिया हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एथनॉल के लिए उसे इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये इतना इफेक्टिव तो है लेकिन इसके लॉस ज्यादा है। अब यहां पर जो बात है ना, यहां पर फूड वाली बात आती है आपकी, ठीक है ना, फूड वाली बात कहां पे आती है? यहां पर कैसे नाइट्राइड बन सकते हैं किसी जगह ओपन कॉन्टेक्ट हो गया तो परेशानी हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए इसको उन जगहों पे जहां फूड का सिलसिला हो कोशिश करते हैं कि अवॉइड करने को, कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं लेकिन कुछ भी चले वैसे की बात है। दूसरा होता है C4H9NO, क्या कहते हैं? मार्फलीन। क्या कहते हैं? मार्फलीन। इसके मुकाबले में ये अच्छा होता है, इसके मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर है। और फिर इससे बेहतर एक और दूसरी चीज है C6H11NH2 साइक्लोहेक्साइल एमाइन। ये ओपन चेन है, ये टेट्रा है और ये हेक्सा है। तो जब कभी आपके पास ये ऑप्शन हो कि ट्राई हो, टेट्रा हो, ओपन हो, पेंटा हो और हेक्सा हो, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा वो हेक्सा वैलेंट होगा, साइक्लोहेक्साइल। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पीएच 8.3 से वैसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन रफली 8.8 अगर आप अपने सिस्टम में मेंटेन कर लें तो आपकी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मैग्नेटाइट एयर प्रोड्यूस भी हो जाएगी। ठीक है ना, अब फर्ज कर लें 9.8 आपकी पीएच है, आपके डीएरेटर ने काम करना छोड़ दिया, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, बाद में उसने कार्बोनिक एसिड बनाया और ये पीएच डिक्रीज कर दी। ठीक है, पीएच डिक्रीज कर दी और आपके सिस्टम में ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए नहीं कि आप हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब आप हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे ना और ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल N2H4 के रिएक्ट करेंगे फेरिक ऑक्साइड से एंड कन्वर्टेड टू अगेन। ये फायदा है हाइड्रोजन का इंस्पायर्ड सोडियम सल्फाइड। आगे समझ में? जी सर। अब आप पूछिए सवाल। तो मैं वो जबकि हाइड्रोजन में ना पानी लॉस हो रहा है ना एनर्जी लॉस हो रही है ना आपकी स्लज बन रही है। स्लज सिर्फ आपकी ट्राई सोडियम फॉस्फेट में बनती है जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, वो भी इन केस ऑफ स्लिपेज है अगर हार्डनेस है, वो भी अगर हार्डनेस स्लिप होती है वो भी अगर हार्डनेस स्लिप होगी तो हेक्सामेटाफॉस्फेट सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट वो भी सेम नहीं। अच्छा, वो डिफरेंट
ये ट्राइसोडियम फॉस्फेट अल्कलाइन है, क्या ये? और हेक्सामेटाफॉस्फेट एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। तो एक तरफ तो आप पीएच इंक्रीज करने के लिए साइक्लोहेक्सामाइड डाल रहे हैं और दूसरी तरफ हेक्सामेटा डाल दें, तो एक तरफ से एसिड एक तरफ से बेस। ऑलवेज याद रखें हेक्सामेटाफॉस्फेट जो है उसकी पीएच वैल्यू 5.3 से 5.4 तक होती है जब आप उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं। और जो ये डिजॉल्व करेंगे इसकी पीएच 10 से लेकर 11 तक होती है ट्राइसोडियम। हो गया क्लियर? पक्की बात है? यस सर। सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि जब ऑक्सीजन हमने रिमूव की है उसको किसी टेस्ट से वेरीफाई कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बहुत असल में बात यह है बेटा, यही काम है केमिस्ट्री का जो आपने सवाल पूछा है। आपने ये चीजें डाली, आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन जो है ये N2H4 जो है ये ऑक्सीजन को रिमूव करती है। ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है।